हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और सुबह का मैंने आपको दिखा दिया था क्या हालत, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। पूरा ड्रेस अप आपको बाद में दिख जाएगा क्योंकि अभी पतिदेव जा रहे हैं मंदिर और सब बच्चे भी सब राधा रानी सारी रेडी हो चुकी हैं। तो छोटा सा ब्लॉग बनाया है छोटा सा, तो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। सभी को सके वो बधाई दे दो करवा चौथ की, सभी को बहुत 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 बधाई हो दीजिए। हाँ जी, सभी को बहुत 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 बधाई हो मेरे पति देव, और मेरी तरफ से सदा सुहागन है सभी, हम सब भी आशीर्वाद दीजिए। चलिए राधे राधे। देखिए मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दिया है मंगलसूत्र, इतना सुंदर। हरे कृष्णा राधे राधे। को क्या है, तो हम उठ गए हैं सुबह सुबह और सफाई वगैरह कर ली है। बस अब जो हम चाय पीने जा रहे हैं, मेहंदी देखो इसमें ऐसी आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी है। देखो अब पति देव मेरे लिए मंगलसूत्र लाए, मतलब गिफ्ट दिया है, देखो दिखाती हूँ। चलो मेरे पति देव फ्रेश हो गए, मंदिर जा रहे हैं। हाँ जी जय श्री राधे। ये देखो जी, अभी सुबह सुबह मैं पहन रही हूँ पहले। तो देखिए मंगलसूत्र पति देव ने पहना दिया है, और इससे बड़ा उपहार हो ही नहीं सकता। पति और परमेश्वर संग संग दोनों चने। थैंक यू सो मच। मैं पैर छू लेती हूँ अपने पति के। तो देखिए राधा रानी और कान्हा जी, और यहाँ पे पति देव नहा चुके हैं, उन्होंने रखा है भोग, मैंने नहीं रखा क्योंकि मैंने अभी नहा ही नहीं हूँ, बस मैं आपको कुत्ते के दर्शन करा रही हूँ। तो उन्होंने बोल दिया है, हम भी बोल देते हैं राधा रानी आप भोग स्वीकार करो, करवा चौथ का लाडली गोपी को भी सो रही हूँ उठा दिया है। ठीक है जी, सुबह सुबह का। और देखिए पतिदेव जा रहे हैं अभी मंदिर। अब राधे राधे, जल्दी जल्दी आना। श्री जी के लिए भोग रख दिया है, और श्री जी भोग स्वीकार करो, पतिदेव ने रखा है, मैं तो अभी ना ही नहीं हूँ, तो मेरे पति की आयु लंबी हो और आपका भी सुहाग अमर रहे। वैसे तो अमर ही है, हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक भाव होते हैं। तो ये और लाडली गोपी सो रहे हैं, इनको भी बोल देते हैं लाडली ओ गोपी उठ जाओ बेटा, अब भोग खा लो उठो। ये देखो कैसे बड़े हैं, तो बच्चे हैं, इनको मैं बोल देती हूँ। मैं पी लूँगी सुबह सुबह चाय, तो चाय के बिना तो फिर पूरा दिन सर में दर्द रहता है। चाय उसका कुछ ले लूँगी, देखो अच्छी लगी मेहंदी है ना। जय श्री राधे। और अब मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ, और लाडली गोपी को भी कथा सुनाऊंगी, नीचे बैठ के मैं कथा पढ़ूंगी। ठीक है जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और अब हम लाडली गोपी को बैठा दिया है और राधा रानी ऊपर है, तो सबके साथ लेके कथा करने जा रही हूँ। ठीक है जी, आप सब भी सुन सकते हैं, और हम सब निकल लेंगे चूड़िया सुन सकती। चलिए जी कथा करते हैं। और ये बैठी हमारी गोपी, यहाँ बैठी है लाडली। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करती हूँ। चलिए मैं आपको कथा सुन। तो सबको तिलक लगा देते हैं, लाडली को तिलक लगा देते हैं। चावल ले लिया मैंने हाथ में, लोटे पे भी बना लेते हैं। बोलो चौथ माता की जय। हाथ लगा दो बेटा, माता की कहानी
एक साहूकार के सात लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसके सातों बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे ने अपनी बहन के बहुत प्रेम करते थे। उसने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख दुखी हो गया और साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए। वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन चांद निकल आया है, अब तुम अपने अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभी ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर तुम्हें प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। तो साहूकार की बेटी ने अपनी भाभी की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। लड़की गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए कर्मों का पता चला तो उसके से बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का शतानुसार आदर किया तदनुसार उसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय हो। जैसे उसके पति की रक्षा करी ऐसे हमारे पति की रक्षा करते सुनते पढ़ लेते बिंदायक जी की कहानी। बोलो बिंदायक महाराज की जय। एक बहुत गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके बेटे और बहू थे। बूढ़ी माई की भगवान गणेश में बहुत श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश की पूजा करती थी और एक दिन गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया कुछ मांग तो मैं आपकी पूजा से भक्ति से खुश हूँ। बुढ़िया ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे पूछना है। तो भगवान गणेश जी ने कहा, अपने दामाद से पूछो, फिर मैं कल आऊंगा, मैं वहां से पूछ कर बताऊंगी। तो उसने अपने बेटे से कहा, आज भगवान बिंदायक बाबा ने स्वयं मुझे दर्शन दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। मुझे नहीं पता कि क्या मांगूं, तो आप दोनों कुछ विचार करें और मुझे बताएं कि क्या मांगना चाहिए, वे कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ को धन मांगना चाहिए और फिर बहू ने से पूछा। उसने कहा कि सास सास हमारी शादी को काफी समय हो गया है और अगर आपको पोता चाहिए तो क्यों ना मांगे पोता। तो बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपना अपना अर्थ मांग रहे हैं, तो सोचा कि मैं अपने प्रिय मित्र से पूछूंगी, वह सही सलाह देगी। पड़ोसी के पास गई और कहा कि बिंदु जी मुझसे कहा कुछ मांगो। मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा कहता है कि पैसे मांगो, बहू कहती है पोता मांगो। तब पड़ोसी ने कहा कि तुम ना तुम तो पैसे मांगते हो ना पोता मांगते हो, तुम कुछ दिन जीवित रहोगे इसलिए आंखें मांग लो। इसलिए उसने पड़ोसी की नहीं सुनी। एक साधारण बूढ़ी औरत घर में आई और सोचने लगी कि ऐसा कौन सा वरदान किया जाए कि बेटा और बहू भी खुश रहे और यहाँ यह मेरे अर्थ की बात हो सकती है। अगले दिन गणेश जी ने आकर कहा कि बुढ़िया आज कुछ मांग लो। फिर उसने कहा, आंख दे तो ताकि मैं पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देख सकूं, शहर से स्वस्थ शरीर दे, 9 करोड़ का भ्रम दे, बेटा पोता पर पोता भाई और भतीजा दुनिया में पूरे परिवार को सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी ने कहा, मेरी माँ तूने तो मुझे धोखा दिया और सब कुछ मांग लिया। मुस्कुरा कर कहा, लेकिन सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने कहा। और कहकर गणेश जी गायब हो गए। सब कुछ बूढ़ी औरत की तरह ही हुआ। हे गणेश भगवान, जैसे बूढ़ी औरत को दिया ऐसे ही हम सबको कहते सुनते बोलो वृंदावन जी महाराज की जय। तो अब जो बाकी के चावल हैं उसको मैं पल्लू में बांध लूंगी, वे रात को आके देंगे तो इसी से निकाल देंगे। लाडली और गोपी का हाथ लगवा रही हूँ ये, और राधा रानी मंच के ये तो मुझे देंगी और मैं अलग निकालूंगी। तो ये हमारी लाडली गोपी मुझे दे रही है अपनी तरफ से, देखिए मैं आपको पैक कर सकता हूँ। राधा रानी और अब मैं भी मंच लूंगी। और अब हम सूर्य भगवान को अर्घ देने जा रहे हैं और जो ये है करवा ये हम रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे। जय श्री राधे। हमने कहीं से रखा था, मैंने आपको सुबह दिखाया था जब पतिदेव मंदिर चल रही थी और शाम को दिखा रही हूँ जब पतिदेव मंदिर जा रहे हैं।
लिफ्ट में घुस के सुनाए कम देर। हरे कृष्णा, और अब मैं बना रही हूँ खाना, सब चीज़ बन गई है। अब मैं पराठे बना रही हूँ, पूड़ी बच्चे मना कर रहे हैं तो मैंने सोचा पराठे बना, क्योंकि पक्का बनाना है। तो यहाँ बन रहे हैं पराठे, ठीक है, और यहाँ बन रहे हैं पराठे यम वाले, और यहाँ है देखिए, यहाँ बनाए हैं शाही पनीर, देखिए। तो इसकी बहुत डिमांड है रेसिपी की, मैं हुआ तो जरूर से सिखाऊंगी। और ये फ्राइड आलू यम वाले, ये है राइस। ओ, ये दो मानुष अपनी पत्नी को चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे हैं, इसीलिए इनकी कॉफियों में मच्छर पड़ गए हैं। और फिर ये क्या पी रहे, बंटा बंटा नींबू पानी पी रहे हैं। बहुत हमें चिढ़ा रहे थे ना, इनकी दोनों की कॉफियों में मच्छर डल गए। हरे कृष्णा, चलिए अब चांद निकल गया है, तो अब मैं सबके हाथ लगवा के और ये जल ले जाते हैं। ऊपर चांद दिख रहा है, तो राधा रानी का ये जो लोटा ले रखा था, हाथ लगवा लेते हैं इन सबके, और इसको भी मैं यहाँ अलग से कर देती हूँ, या इसी में डाल देती हूँ, सब इकट्ठा ही कर देंगे, ठीक है। और ऐसे देखेंगे राधा रानी, देखिए, ठीक है, क्योंकि सबको ले जाना मुश्किल है छत पे, तो इधर पहले इनका करा के फिर उधर आते। तो हैं छत पे पूछते हैं, जैसे कि हमने करवा चौथी पूजा, जय श्री राधे। चलिए जी, दर्शन करवा देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे हमारी राधा रानी ने ले रखा था, ये देखिए, ऐसे रेडी हुई थी राधा रानी। और यहाँ है लड्डू और लाडली,
गोपू और गोपी बहू। अब हम इनको भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे खुद ही। अब पिलाते हैं कन्हैया। लेकिन नहीं, पिलाओ पिलाओ पिलाओ। कन्हैया का हाथ लगवा देती हूँ, अब ऊपर कर लो घूंघट बेटा, बहुत देर हो गई। लो जी कान्हा ने पिला दिया। अब कन्हैया बिल्कुल गोपू हाथ लगाएगा और गोपी गोपू पिलाएंगे पानी। अब बिहारी जी के हाथ हो गए, श्री जी के लिए पानी। अब ये देखिए मैं भोग यहाँ रख दिया है। भोग ये बनाया था प्रसाद, तो भोग लगने देते हैं और इस तरह से करा था।